दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया माने जाने वाले मिजोरम के जियोना चाना को लेकर लगभग दो दिनों पहले खबर आई थी कि उनका निधन हो चुका है। हालांकि उनका परिवार अब भी उन्हें आखिरी अलविदा कहने के लिए तैयार नहीं है और जियोना की फैमिली का मानना है कि वे अभी भी जिंदा हैं। एजेंसियों के मुताबिक 76 साल के जियोना हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के मरीज थे। रविवार को एजवायल के ट्रिनिटी अस्पताल में डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। हालांकि जिनोवा के परिवार वालों का कहना है कि उनका शरीर अब भी गर्म है और उनकी पल्स लगातार चल रही है। लालपा कोहरान थार के सेक्रेटरी जितिन खुमा का कहना है कि जियोना को जब अस्पताल से वापस घर लाया जा रहा था तब उनकी दिल की धड़कन एक बार फिर सामान्य होने लगी थी। उन्होंने कहा कि जियोना का शरीर अब भी ठंडा नहीं पड़ा है और ऐसे हालातों में उनके अंतिम संस्कार को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। साल 1942 में कान गांव से निकाले जाने के बाद जियोना के दादा ने एक संप्रदाय का गठन किया था। चुआंथर ग्राम परिषद के अध्यक्ष राम जुआवा के अनुसार 433 परिवारों के 2500 से अधिक सदस्य संप्रदाय का हिस्सा हैं, जिसकी स्थापना लगभग 70 साल पहले जियोना के चाचा ने की थी। उन्होंने आगे कहा कि ये सभी लोग जियोना का बेहद सम्मान करते हैं और जब तक वे आश्वस्त नहीं हो जाते कि उनका निधन हो चुका है तब तक ये लोग उनका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। बता दें कि जियोना चाना चुआंथर संप्रदाय के नेता भी हैं। गौरतलब है कि चाना का जन्म 21 जुलाई 1945 को हुआ था। उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी पहली शादी 17 साल की उम्र में हुई थी और उसके बाद उन्होंने 38 शादियाँ और की थी। चाना का परिवार मिजोरम के पहाड़ी गाँव बक्तावंग तलंगनूम में रहता है। यूपी सिटी न्यूज़ जुड़िए उत्तर प्रदेश से।